रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने न केवल अपने बिजनेस वेंचर्स बल्कि अपने ठाट दार पहनावे के लिए भी वो जानी जाती हैं। बात चाहे उनके आउटफिट्स की हो या फिर उनके ज्वेलरी की हो या फिर उनके पर्स की हो या फिर उनके एक अंगूठी की ही क्यों ना, हर फंक्शन में नीता का लुक इतना शानदार होता है कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। अपने छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी के हर एक फंक्शन में नीता अंबानी ने फैशन गेम से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो रिसेप्शन हो, चाहे वो शादी हो। दरअसल बताते चले कि पिछवाई कलाकार शहजाद अली शेरानी ने नीता अंबानी के पर्पल ब्लाउज की खास बात बताई है और उसमें क्या खासियत है ये भी बताया। बताते चले कि अनंत अंबानी की शादी का जश्न खत्म होने के बाद डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने नीता अंबानी की कुछ झलकियां साझा की, जिनमें की वो पिंक कलर की चार बाग साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस साड़ी के साथ ही उन्होंने पर्पल ब्लाउज पहना था जिस पर रियल गोल्ड वर्क काम किया था। जी हाँ, इसे खास तौर पर राजस्थान के किशनगढ़ में पिछवाई कलाकार शहजाद अली शेरानी ने बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अनंत और राधिका की शादी से ठीक एक सप्ताह पहले यानी कि एक हफ्ते पहले शहजाद से नीता अंबानी के लिए इस ब्लाउज को बनाने के लिए संपर्क किया था। जी हाँ, शहजाद से नीता अंबानी के लिए इस ब्लाउज को बनाने के लिए संपर्क किया गया। उन्होंने शेरानी को बताया था कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर बिजनेस वुमेन के लिए ब्लाउज बनाने के लिए करीबन 50 से 55 घंटे का काम किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती थी, मैं, मेरा बेटा फैजान और हमारी टीम के अन्य लोगों ने मिलकर 50 से 55 घंटे काम किया और हमें इससे समय पर डिलीवर करने में सक्षम थे। बता दें कि पिछवाई यानी कि भगवान कृष्ण के एक रूप में देवता श्रीनाथ जी या ठाकुर जी की मूर्ति के पीछे रखी जाने वाली पेंटिंग है और उसी साक्षात्कार में कलाकार ने आगे बताया कि नीता अंबानी ने उनसे ब्लाउज में स्पेशली असली सोने की पत्तियां जोड़ने का अनुरोध किया था। कलाकार ने कहा कि सबसे पहले हमारे ड्राइंग यानी हमने ड्राइंग बनाई और उसे मंजूरी दिलवाई, उसके बाद हमने ब्लाउज को प्रिंट किया, हमने ब्लाउज के बेस पर येलो कलर लगाया जहां हम जयपुर के पन्नी गारों का मोहल्ला से प्राप्त असली सोना लगाना चाहते थे। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने हमें ब्लाउज पर स्पेशली सोने से काम करने के लिए कहा, यानी कि 18 जुलाई 2024 को पिछवाई कलाकार शहजाद अली शेरानी ने अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की थी और शेयर की थी, जिसमें उन्होंने वैश्विक मंच पर अपने आर्ट को प्रदर्शित करने का अवसर मिलने के बारे में लिखा था। उन्होंने NMAACC के इंस्टाग्राम पेज को ओरिजिनल पोस्ट को फिर रीशेयर किया था। इस पोस्ट से एक हिस्से में नीता अंबानी ने भारतीय शिल्प के लिए प्रशंसा भरे शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था, आनंद और राधिका की शादी के दौरान मैंने भारतीय बुनाई और कढ़ाई की सुंदरता को अपनाने का आनंद लिया है, जिसे सदियों पुरानी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके मास्टर कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया गया। साड़ी और कारीगरी की जटिल डिटेलिंग के साथ मुझे बहुत खुशी मिली है। मुझे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में छोटी सी भूमिका निभाने के लिए बेहद खुशी है। फिलहाल पिछवाई कलाकार शहजाद अली शेरानी द्वारा किए गए खुलासे के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें।